हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी से भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में सारे क्वेश्चन जो एसएससी जीडी और भी रेलवे सभी एग्जामों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा मैं। तो इस वीडियो को कृपया आप अंत तक देखते रहें, स्किप ना करें, और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आगे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और इसका कार्यभार जो संभालता है वो कौन संभालता है? पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति नंबर ए राज्य का प्रधान होता है, बी राज्य का प्रधान नहीं होता है, सी केवल सरकार का प्रधान होता है, डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए राज्य का प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी राष्ट्रपति होगा। सभी सेनाओं का मुख्य कमांडर क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। वो अपना त्यागपत्र रिजाइन मतलब किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। वो शक्ति किस में प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है, न तो इसके द्वारा, न इसके द्वारा, न इसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। चलिए, महाभियोग क्या होता है? ये होता है कि राष्ट्रपति को अगर अपने पद से हटाना है उसे, तो उस पर क्या चलाया जाता है? महाभियोग चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इसे सीधी जनता नहीं चुनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसमें लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा लेती है, विधानसभा भी लेती है भाग। तो भाग जो नहीं लेता है वो कौन है? विधान परिषद। विधान परिषद ये है कि ये भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएँ निर्धारित करता है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57 और अनुच्छेद 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
अनुच्छेद 57 ये इसका स्पष्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इसके चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके चुनाव का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर ये लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कौन सा सदन बोलते हैं? निम्न सदन या उच्च सदन? तो देखिए लोकसभा के लिए क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। कैसा सदन? निम्न सदन बोलते हैं, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। और उच्च सदन किसे बोलते हैं? उच्च सदन जो होता है वो होता है राज्यसभा। उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा, क्योंकि इसे भंग नहीं कर सकते, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं तक हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी की क्लास थी। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इससे आपको आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।